जब नारा चलता है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जब राम को लाया जा सकता है स्वर्ग से, तो क्या नीरव मोदी को उनको नहीं लाया जा सकता जो घोटाला करके आए विदेश से, उनको ले आए? और चार इस चीज का जवाब चाहिए हमको नरेंद्र मोदी जी से। राम के नाम पे वोट न मांगे, वोट मांगे विकास के नाम पे। करते जाए घोषणाओं पे चलते जाए। और पब्लिक मध्य प्रदेश की सरकार 18 सालों में इतने घोटाले, पटवारी घोटाला हो गया वो मुमकिन है? 15 लाख वो नहीं है, नहीं 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 15 लाख नहीं आया। फिर भी जो देखेंगे कि जो बोलते हैं कि गाय हमारी माता है और जो नेता बना दिए उनको कुछ नहीं आता। हमारे वहाँ गांव के हैं और हम तो ये कहेंगे कि मोदी जी ने जो काम किया, तो कहते हैं कि हम देश विदेश बहुत घूमते हैं, तो अपने देश में कितना घूमते हैं वो उनको अब समझ में आ जाएगा, क्योंकि 10 साल में उन्होंने कितना घूमा है ये भी मोदी जी समझ लेंगे अब। क्योंकि झूठ बोलना, 10 साल तक तो झूठ बोलते हैं, जितनी घोषणाएं करते गए, ये देंगे वो देंगे वो देंगे, इतनी घोषणाएं किए कि जिसका कोई सीमा ही नहीं है। अरे घोषणाएं वो करनी चाहिए कि जो कि देना है, जो हमको पब्लिक को देना है उसकी घोषणा करनी चाहिए, ये नहीं कि हम घोषणा करते जाएं घोषणाओं पर चलते जाएं और पब्लिक को 5 साल चूतिया बनाएं, फिर 2 महीने के लिए हाँ लीजिए 5 रुपये पेट्रोल डाउन कर दिए, 2 रुपये दाल डाउन कर दिए 2 महीने के लिए, इसके बाद फिर बढ़ गया वो साला, 500 रुपया कर दिए कई महीने के लिए 2 महीने के लिए, इसके बाद फिर बढ़ गया साला, 1000 रुपये हो गया 2 महीने बाद, जहाँ चुनाव हुआ। तो कह रहे हैं हमने पानी बिजली सड़क का मुद्दा ही खत्म कर दिया है। कहाँ कर दिए हैं? हर जगह बनवा दिए। शिवराज जी कहते हैं कि मैं पानी मुद्दा सब कुछ बनवा दिया हूँ, तो शिवराज जी ये बताएं हमको कि पानी मुद्दा अगर वो बनवा दिए हैं तो कहाँ रखे हैं पानी मुद्दा पब्लिक? हर गांव में टंकी मिल गई है, हर गांव में पानी पहुँचा है, दिखाए ना हर गांव में पहुँच गई है। अगर यहाँ 100 गांव में एक विधानसभा में 100 गांव हैं, तो 10 गांव में अगर पहुँच गई तो 90 गांव का पूरा हो गया। शिवराज जी का ऐसा काम है, कागजों में पूरा है। हाँ, और उनके लोग जो हैं वो मलाई खा रहे हैं बस, बाकी पब्लिक जाए भाड़ में। अच्छा, राहुल गांधी जी जो मंच से अभी वादे कर रहे थे किसानों के लिए और जनगणना कराएंगे, तो ये चीजें हो पाएंगी आपको क्या लगता है? हो पाएगी। अच्छा। क्यों ना हो पाएगी? अगर ना हो पाएगी तो ये भी 5 साल बाद जाएंगे, वो तो स्वाभाविक है। जनता को जो बोले हैं, जो ना हो पाएगा तो 5 साल बाद फिर जाएंगे वो। 2023 के चुनाव में परिवर्तन दिख रहा है? परिवर्तन फुल लाएगा, ये तो 100% गारंटी है। अच्छा, इस बार मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है मध्य प्रदेश में, कोई सीएम फेस नहीं है, तो क्या लगता है आपको मोदी जी विजय पाएंगे मध्य प्रदेश में? हमें तो नहीं लग रहा है, इस बार असंभव है। केंद्र में रहेंगे? केंद्र में क्यों रहेंगे? ये स्टेट का चुनाव है, स्टेट में जो है तो स्टेट में सत्ता परिवर्तन है, स्टेट में सत्ता परिवर्तन होगा और केंद्र में होगा। हाँ, मोदी जी से खुश है? उनके खुश है। अच्छा, उन्होंने 2014 में घोषणा की थी सबके खातों में काला धन लाएंगे हम वापिस विदेशों से, आ गए 15 लाख वो मुमकिन है? 15 लाख वो नहीं है, नहीं 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 15 लाख नहीं आया। फिर भी जो है तो अच्छा है। जो यही सतना डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर आवास योजना का घोटाला हुआ था, कितने आवास गायब हो गए थे, वो कागजों में है लेकिन हकीकत में नहीं है, और लोग हैं उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? आप नहीं बोलेंगे? यहाँ कुछ हमारे साथ एबीएन से बात की लेते हैं। क्या नाम? भैया हमारा नाम रामन कुशवाहा है। अभी रैली में आए थे राहुल गांधी? राहुल गांधी रैली में आए, सुनने में आए थे हमने। अच्छा, राहुल गांधी जी सुना आपने, क्या लगा? नहीं, हमको लगा सब बढ़िया, सब फर्स्ट क्लास है। अच्छा, इस बार क्या लगता है? इस बार तो कांग्रेस सरकार आ रही है मध्य प्रदेश में या फिर लोकसभा? मध्य प्रदेश में, लोकसभा में कांग्रेस आएगी। हाँ, मोदी जी कामों से आप लोग खुश नहीं? नहीं खुश भैया ने शिवराज तो भैया लाडली बहना दे रहा है। हम लोग आज विकलांग और विधवा जो है और वृद्ध को बताइए, हमारे उनको पेंशन नहीं बढ़ा रहे। कांग्रेस सरकार आई थी 15 महीने के लिए, तो जिसमें उन्होंने 300-600 किया था। आज जो है बीजेपी सरकार 18 साल से है, तो आज तक उन्होंने पेंशन बढ़ाने का काम नहीं किया है। और कांग्रेस अगर आएगी तो 1200 रुपये विकलांगों को देगी, और जो अति विकलांगों को 2000 रुपये देगी, और लाइट बिल जो है 100 रुपये का 100 यूनिट और 200 यूनिट में हाफ देगी। कांग्रेस की देनी है 100 यूनिट। अच्छा, आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी जी जो वादे करके गए हैं पूरा कर पाएंगे? पूरा करेंगे, बराबर पूरा करेंगे। हाँ, शिवराज जी तो कह रहे हैं हमने मध्य प्रदेश की सारी क्या कर रहे हैं, साइकिल भी जो मिली है ना वो भी कितने बार, अब विकलांग आदमी कहाँ से क्या क्या करे, कैसे करे, और बताइए
कम से कम जब से मिली तब से 5-6 हज़ार रुपये साइकिल खा गई। और लोग हैं, युवा है हमारे साथ, इनसे ही बात कर लेते हैं। अच्छा, आप यहीं के रहने वाले हैं? हम नारायणपुर से आए हैं, रहगांव। हाँ, सतना के ही हैं। सतना डिस्ट्रिक्ट में इस बार जो विधानसभा है यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला दिखाई दे रहा है। कल मोदी जी आए थे, आज राहुल गांधी जी आए हैं। क्या लगता है मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? मोदी जी चाहे 10 बार दौरा कर लें, लेकिन सतना और बिंद से कांग्रेस की बहुत सी सीटें आएंगी, और सतना से तो एक तरफा जीत रहे हैं डब्बू भैया, एक तरफा। और हर एक विधानसभा में, चाहे हमारे पाटन विधानसभा ले लीजिए, चाहे मैहर ले लीजिए, चाहे रहगांव विधानसभा ले लीजिए, इन विधानसभाओं को छोड़िए, आप मध्य प्रदेश की सरकार को देखिए। मध्य प्रदेश की सरकार 18 सालों में इतने घोटाले, पटवारी घोटाला हो गया, शिक्षा कर्मी घोटाला चल रहा था, युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, और कुछ भी नहीं हो पा रहा। गायें, अगर आप देखेंगे कि जो बोलते हैं कि गाय हमारी माता है, और जो नेता बना दिए उनको कुछ नहीं आता है। गाय अभी आप चले जाएंगे हर रोड में आपको घूमते मिलेगी। गौशालाओं की स्थिति इतनी बर्जर हो चुकी है, जर्जर हो चुकी है, ना सरपंच चालू करवा पाता है। और मैं आपको रहगांव विधानसभा की एक यथार्थ स्थिति बता दूं कि जो भाजपा की प्रत्याशी हैं प्रतिमा बागरी, उनसे बोला गया कि आप तो चलिए आप सांसद की अभिन्न अंग है, मतलब सांसद से आपका बहुत लेना बहुत है, तो आप कृपया करके गौशाला ही चालू करवा दीजिए। तो उनका क्या बोलना था कि 4 लोग भूसा इकट्ठा कर लें, 4 लोग एक सैलरी दे दें, और 4 लोग ताक लें गैया को। तो जब हमको ही सब कर लेना है तो सरकार चुनने का क्या मतलब है? बीजेपी की सरकार हमने चुनी क्यों है? देखिए, ये नारा चलता है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जब राम को लाया जा सकता है स्वर्ग से, तो क्या नीरव मोदी को इनको नहीं लाया जा सकता जो घोटाला करके आए विदेश से? उनको ले आए और 40 हजार करोड़ का जो घोटाला किया इन्होंने, भारत को फायदा दिलाए। मैं यही कहता हूं, बीजेपी सरकार तभी वोट मांगने आए, बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट नहीं तो ना आए, और कोई भी उनको अपनी जगह में ना दे। और प्रश्न करें उनसे कि जब राम जी आ सकते हैं तो क्या अडानी और अंबानी और इनसे पैसा नहीं लिया जा सकता? इस चीज का जवाब चाहिए हमको नरेंद्र मोदी जी से। राम के नाम पे वोट ना मांगे, वोट मांगे विकास के नाम पे। राम हो चाहे रहीम हो, चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, सब आपस में भाई भाई हैं, सबका ध्यान देना चाहिए। और हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, सबको भाई मानेंगे तभी हमारे भारत का विकास होगा। जाति और धर्म के आधार पर आपस में लड़ाने से कभी विकास नहीं हो सकता। शिवराज जी कह रहे हैं हमने युवाओं के लिए सीखो कमाओ योजना निकाला, महिलाओं के लिए लाडली बहना जी, शिवराज जी बोल रहे हैं कि सीखो कमाओ योजना, मैंने फॉर्म ही भरा था, केवल उसमें जब जॉब देने की बात आई तो बस पेंडिंग शो कर रहा है, मतलब जॉब कहीं मिल नहीं रहा। अगर मिलता भी है तो यहाँ से आपका इंदौर देंगे, भोपाल देंगे, वहाँ 8,000 रुपये महीना देंगे, वहाँ का रहने खाने का खर्चा 8,000 रुपये है, हमें क्या मिलेगा? ये केवल दिखावा है, केवल दिखावा कर रहे हैं युवाओं के साथ, बाकी कुछ नहीं किया जा रहा है, केवल भ्रष्टाचार से लिप्त सरकार है। अभी देखिए सतपुड़ा भवन में आग लग गई, अपनी जो भ्रष्टाचार का काला